जा वेलकम टू यू टू माय यूट्यूब चैनल जेलानी पॉइंट। गाइस आज हम लोग बात करेंगे क्लास एट के चैप्टर दूसरे चैप्टर के बारे में, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इस चैप्टर में हम लोग ये समझ जाएंगे कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, कैसे बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिश भारत में एक बड़ा सा विक्ट्री हासिल किए थे, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर बहुत मायने रखता था। बैटल ऑफ बक्सर में एक साथ काफी राजा को हराया, तीन राजा को हराया। देखेंगे उसके पीछे कारण क्या था। देखिए हम लोग इतना जानते हैं सी रूट के द्वारा वास्को डी गामा भारत में आ चुके थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में। इन्होंने भारत का सी रूट का खोज किया था। ये नहीं कुछ लोग बोलते हैं हु डिस्कवर इंडिया, यार भारत का खोज नहीं किया था, भारत उससे पहले ही था। भारत के सी रूट का खोज किया था यूरोप से। इस बात को हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोग इस बात को भी किसी दिन एक क्लास बनाएंगे कि हाउ यूरोपियन केम टू इंडिया, यूरोपियन आए कैसे थे भारत, क्या एडवांट ऑफ यूरोपियन। जैसे एडवांट ऑफ मुस्लिम रूलर्स हम लोग पहले पढ़े ना, वैसे एडवांट ऑफ यूरोपियन से भी पढ़ेंगे। पहले फिलहाल हम लोग चैप्टर टू को पढ़ते हैं, एट क्लास का एनसीईआरटी का, ठीक है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसी में हम लोग देखेंगे कैसे बैटल ऑफ बक्सर हुआ, कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। चलिए वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया। देखिए उससे पहले ब्रिटिश नहीं आए थे। सबसे पहले कौन आया यूरोपियन में से? वास्को डी गामा 1498 में सी रूट के द्वारा भारत आया। इसके बाद फिर डच आए, फिर आए ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग इतना जानते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए नहीं थे। दरअसल एक चार्टर बनाया गया था वहाँ पे, वहाँ के संसद, वहाँ पे पार्लियामेंट है इंग्लैंड में, तो वहाँ पे वहाँ का चार्टर में 1600 ईस्वी में, समझिए इस बात को, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC शॉर्टकट में लिखते गाइस, आप लोग खुद समझ जाइएगा। EIC को क्या कहा गया था? कहा क्या कि सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। समझिए इस बात को, राइट टू ट्रेड विद ईस्ट। भारत यूरोप के ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड में, अगर हम लोग नहीं साउथ और ईस्टर्न साइड में, लेकिन मेनली समझिए कि अगर भारत यहाँ है तो यूरोप कहाँ है? यहाँ है, तो लगभग ईस्टर्न साइड में है। तो इसको क्या कहा गया? ईस्टर्न साइड में जितना भी ट्रेड व्यापार करेगा वो किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो लाइक मतलब मानवीय अधिकार दे दिया गया कि आप ही करेंगे। ये एक कंपनी है, ब्रिटिशर्स मतलब अचानक अंग्रेज नहीं हावी हो गए थे हमारे ऊपर, ये एक कंपनी आई थी भारत में, समझे, 1600 में। तो जब ये भारत आई, समझिए इस बात को, जैसे ये भारत आया तो इन्होंने यहाँ पे, जब इनको सोल लाइन मिल गया, अधिकार मिल गया कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, तो ये करते क्या थे, यहाँ से ट्रेड करने में ये यहाँ का कॉटन समझ लीजिए, कॉटन को जानते हैं, कॉटन हो, सिल्क हो, या फिर समझिए इस बात को कि जो जो भी सामान यहाँ पे बनता था ना, अच्छे अच्छे क्वालिटी का बनता था, समझिए, खास तौर पे क्या क्या बनता था, कॉटन और सिल्क बहुत अच्छा क्वालिटी का होता था, फाइन क्वालिटी का, समझिए, तो इतना बेहतरीन क्वालिटी से, क्योंकि हाथ से बुना जाता था पहले जमाने से। ये हमारे भारत में एक परंपरा रही है, अभी भी गांव में देखते होंगे अच्छा खासा क्या होता है, अंदर का जो गंजी वंजी होता है ना, स्वेटर वेटर, सारी चीज़ हाथ से सिल लेते हैं अम्मी लोग, पहले सिल लेती थी। तो अभी वक्त बदलता गया, क्योंकि आजकल मशीनरी का वक्त आ गया, धीरे धीरे क्या हुआ, मशीन का खोज हो गया, अब मॉडर्नाइज इंडिया हो गया, क्या मॉडर्न हो गया, हर चीज़ मशीनरी से होता है। पहले रोड वोड बनता था तो बहुत मेहनत लगता था बनने, अब क्या होता है, सुबह देखे गए कुछ और, रात के बाद और दूसरे दिन देखते हैं कि भाई साला भयंकर रोड बना हुआ रहता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मशीनरी आ गया, लेकिन पहले जो बहुत अच्छा चीज़ का क्या, कॉटन और सिल्क बड़ा फाइन क्वालिटी का मिलता था, समझिए इस बात को, बहुत अच्छा क्वालिटी का। तो वो क्या करते थे, इसको चीपेस्ट रेट में यहाँ खरीदते थे, चीपेस्ट रेट में खरीदा, उसके बाद उसको जाके यूरोप मार्केट में क्या करते थे, यूरोप मार्केट में हाई रेट में बेचते थे, समझिए इस बात को, क्योंकि उसका डिमांड इतना ज्यादा था यूरोप मार्केट में, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी तो जाहिर सी बात है डिमांड रहेगा, डिमांड था तो उन्होंने क्या किया, चीपेस्ट रेट तो बिल्कुल सस्ते दाम में खरीदते थे यहाँ पे, और वहाँ पे ले आकर करता था, महंगे दाम में बेचता था। सिर्फ यही नहीं था कि यहाँ का कॉटन फेमस था या सिल्क फेमस था, हम लोग क्या जानते हैं कि जब वास्को डी गामा भारत आया था ना, तो सबसे पहले वो क्या लेके गए थे, स्पाइसेस लेके गए थे। स्पाइसेस लेके जाने के बाद उसको 64 गुना ज्यादा फायदा हुआ था, मसाले ले जाने पे, कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, मसाले की बात। तो इसका मतलब मसाला भी यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस था। मसाले में अगर देख लें, पेपर्स, क्या ग्लोब्स, समझिए इस बात को, पेपर्स हो या क्लॉब्स हो या कार्डमन हो,
लौंग, इलायची, ये सब भारत का, क्योंकि स्पाइसेस का लैंड किसे कहा जाता है, भारत के केरल के कुछ क्षेत्रों को कहा जाता है, तो ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ पे चीप रेट में खरीद के उनको क्या करते थे, यूरोप मार्केट में महंगे दामों में बेचता था। महंगे दामों में बेचने के कारण धीरे धीरे उनका, अब किसी को भी किसी मार्केट में प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है उस पर उसका दबदबाव बनेगा, बनेगा कि नहीं। अब वो लोग चाहते थे, क्योंकि यहाँ आ गए थे, यहाँ पे देखा कि भारत में अलग अलग तरह के राजा अलग अलग क्षेत्र में शासन कर रहे थे, अलग अलग डायनेस्टीज थी। क्या जब वो आए थे 1600 में, तब क्या था, मुगल डायनेस्टी ही था। मुगल डायनेस्टी था ना, उसके अगले बात करो ईस्ट इंडिया बिगेन, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है एनसीईआरटी में ईस्ट इंडिया कंपनी, समझिए ईआईसी लिखते हैं, बिगेंस्ट ट्रेड इन बंगाल। देखिए नोट्स हम आपको यहाँ नहीं देंगे, नोट्स के लिए आपको क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में हम इंस्टाग्राम का आईडी दे देंगे, वहाँ पे जाके आप नोट्स ले लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको सारा पॉइंट वाइज समझा देते हैं, उसके बाद नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम, जहाँ से लेने की मैं आपको सुविधा हो। समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेस्ट ट्रेड इन बंगाल, क्योंकि हम लोग पिछले टॉपिक में भी बात किए थे कि जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताए थे ना, भारत का ये वाला जो क्षेत्र है, क्या है कि नहीं, ये जो है ये कोस्टल एरिया, क्योंकि कोस्टल एरिया समझते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, तो कोस्टल एरिया में ही सब आएगा, क्योंकि वो लोग किधर से आया था, सी रूट के द्वारा ही। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आए थे, मतलब पुर्तगीज कैसे आए थे भाई, वास्को डी गामा किधर से आए थे, आगे कालीकट ही गए ना, आगे कालीकट में ठहरे, जिसका मतलब समुद्र के रास्ते से आए थे। यहाँ पे उनको मसाला वसाला तो मिल गया। और ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी भी देखेंगे ना, तो पहले वो क्या करता है, मद्रास में अच्छा खासा शासन करता है, मतलब शासन क्या, बहुत दिन तक वो यहाँ पे ट्रेडिट करते हैं। उसके बाद यहाँ से वो किसके और देखेंगे, समझिए इस बात को, ये अगर मान के चलिए भारत का ये भारत, समझते हैं इस बात, समझिए कालीकट, यहाँ मद्रास मान लेते हैं, बंगाल कहाँ है भाई, यही ना है, यहाँ पे क्या है, बंगाल, समझिए इस बात को। जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि बंगाल में भी ट्रेड करे, बंगाल में ट्रेड करना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि जब यहाँ दिल्ली से हुकुम कर रहे थे औरंगजेब ने फरमान जारी किया था, आप इस बात को समझिए, इसी टॉपिक में ये भी आता है, औरंगजेब ने फरमान जारी किया था कि देखो भाई ये इसको, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसको मतलब कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ये क्या रहेगा, ड्यूटी फ्री, जो भी चीज़ करेंगे ना ये लोग फ्री टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, इनको टैक्स नहीं लगता था। किसने फरमान जारी किया था, औरंगजेब फरमान जारी किए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल जो बंगाल के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने, मतलब उनका बना होगा, आपसी बातचीत हुआ होगा, बढ़िया से मन मिला हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने फरमान जारी किया तो उनका टैक्स वैक्स लगता है ना और सब कंपनी को, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि औरंगजेब के समय में क्या, औरंगजेब क्या होगा, 1717 में मर जाएगा। अब औरंगजेब के समय में ही इन्होंने क्या किया था, 1651 में, समझिए इस बात को बहुत जरूरी है, 1651 में हुगली नदी के किनारे फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, समझिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही था, इंग्लिश फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पहला इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे। अब देखिए कब है, 1651 है कि नहीं, 1651 में क्या है, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुई, बंगाल के हुगली नदी के किनारे। जैसे इनका ये बनना शुरू हुआ, तो जैसे भी मान के चलिए आप कहीं दुकान करते हैं, धीरे धीरे जान पहचान होता है, तो आप देखते हैं आस पड़ोस में और भी किस चीज़ का दुकान चल सकता है, क्या चल सकता है। जब हम बिजनेस करने जाएंगे तो हम कुछ और सोचेंगे क्या, बिजनेस माइंड लगाएंगे, हम सोचेंगे कि दिन ब दिन तरक्की कैसे करें, हम कभी ये नहीं चाहते उस जगह से नीचे कैसे आए, हम चाहते हैं उस जगह से आगे कैसे बढ़े। आज ही आप क्लास 2 में, 4th में, 8th में, 10th में, कुछ भी है, आप क्या चाहते हैं, किसी तरह से मार्क्स अच्छा स्कोर करें, अगला क्लास जाएं, नेक्स्ट क्लास जाएं। कभी कभी हमेशा यही सोचते हैं, कोई सोचते हैं क्या 8th क्लास में किसी तरह 6th में चले जाए, नहीं सोचते होंगे जाहिर सी बात, क्योंकि यार कोई आदमी नीचे आना नहीं चाहता, आपके पास थोड़ा पैसा है, आप चाहते हैं कि कुछ भी करके इन्वेस्ट करके कहीं ज़्यादा पैसा हो। तो ये भी क्या किया, जैसे जैसे फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट करने चले गया, अब समझिए कि अब ये ट्रेड कर रहा है,
ट्रेड कर रहा था, अब ये धीरे धीरे क्या चाहेगा मेरा दुकान थोड़ा और बड़ा हो, चाहेगा कि नहीं। तो ये फैक्ट्री फैक्ट्री बनाते थे ये रहने के लिए स्टोर हाउस के नाम से, बट ये धीरे धीरे क्या करते थे अपना कदम फैलाते जाते थे। चाहता था एक दुकान हो गया थोड़ा प्रॉफिट हो गया, एक और दुकान हो जाए, एक और फैक्ट्री हो जाए, एक और हो जाए, एक और हो जाए। हम लोग इंसान हैं, कभी हमारा ललक जो है ना कम नहीं होता है। हम चाहते हैं कि थोड़ा हो थोड़ा हो, ये अलग बात है कि पेट फूल हो जाए, मतलब खाने में नहीं, ऐसे तो मेनली क्या होता है हमारा इच्छा कभी पूरा नहीं होता, होता है हम इंसानों का नहीं होता है। तो इन्होंने भी क्या किया अपना ट्रेड बढ़ाने के चक्कर में अब ये बैटल पे उतर आए। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब देखिए हम टॉपिक वाइज समझा रहे हैं, फिर कह रहे हैं अगर आपको नोट ही चाहिए, देखिए नोट हम आपको थ्रू इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे इसके फेसबुक के थ्रू हम आपको दे देंगे, चैनल के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां से जाके नोट ले लीजिएगा। फिलहाल समझते हैं, क्योंकि देखिए हम आपको बैकग्राउंड बता रहे हैं अभी क्लास 8 के चैप्टर 2 में फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, समझिए इस बात को क्या कहा है, व्यापार से क्या कर रहा है, यहाँ पे शासन कर रहा है, टेरिटरी बना रहा है अपना, इस बात को समझेंगे ना भाई कैसे टेरिटरी बन जाएगा। आसान थोड़े ना है किसी भी चीज़, आप ही किसी भी चीज़ पे हावी होना इतना जल्दी आसान नहीं होता है, सारा टाइम लगता है। तो टाइम लगा कैसे, देखे देखे पहले क्या ईस्टर्न देखे कंपनी ईस्ट ईस्ट से कैसे आया ये देखें, उसके बाद हम लोग क्या देखें वहां से आने के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ट्रेड बिगेन ट्रेड इन बंगाल, बंगाल में उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बंगाल में जैसे जैसे ट्रेड करना शुरू करेगा अब क्या होगा। नेक्स्ट जो मेरा स्टार पॉइंट है मतलब टॉपिक है जो बुक में है उसमें ये है हाउ ट्रेड लीड्स टू बैटल, ओके हाउ ट्रेड leads to battles, okay guys हम लोग समझते हैं। हमने आपको पहले भी कहा कि देखिए हमारा ललक कम नहीं होता है, ये क्या कर रहा है ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करने के बाद आप क्या होगा कि अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेगा, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेगा, जाहिर सी बात है आप ही बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो एक और दुकान लगाना चाहेंगे हो सकता है सामने वाला ना देता हो, अब क्या होगा उसके बाद leads to battle, अब लड़ाई होगा कि नहीं होगा ना भाई, कंपटीशन का जमाना है, मार्केट में एक दुकानदार रहता है तो सामने कोई और भी दुकान करता है, ऐसा नहीं है अकेला कोई एक आदमी का दुकान होता है, तो अब जाहिर सी बात धीरे धीरे झगड़ा होगा। देखिए इसमें सबसे पहला जो मतलब चीज है मेन चीज समझिए, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, समझिए डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब जैसे मरेगा, समझिए इस बात को, औरंगजेब जैसे मरेगा All nawabs want to assert their power and autonomy. बात यह है कि सभी नवाब्स क्या चाहेगा कि मेरा जो पावर है, जो हमारे पास पावर है, अब जो मेरा मेन दादा होते थे मतलब जो घर ऐसे भी घर में अगर पापा कहीं चले जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे तो और दिन क्या होता है हम सिस्टर को डांटते हैं तो वो जाके पापा को शिकायत कर देती है तो हमारा बैंडेज बचाता है, हमारा बैंडेज बचाता है। हम लोगों का दुश्मनी अलग से अक्सर घर में किसी होता है, पड़ोसी उड़ोसी से तरह अपने बहन से होता है, बहन को भी दुश्मनी किसी भाई से, तो हम लोग मम्मी से शिकायत करते हैं तो वो लोग किससे करती है पापा से, पापा जब कहीं चले जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अपना बड़ा होने का फायदा उठाते हैं कि नहीं, हमें क्या लगता है कि अब दबा देते हैं, जितना गुस्सा पहले आया हुआ रहता है तो उन सब गुस्सा को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब ये भी कीजिए समझिए, अब नवाब सब जो पहले नवाब था जो गवर्नर किसी क्षेत्र में बंगाल का अलग अलग, अवध का अलग, उसके बाद हर जगह अलग अलग जगह का अलग अलग नवाब थे जो किसके अंडर में रहते थे, मुगल्स के अंडर में रहते थे, क्योंकि मुगल्स के समय में ही है 1600 में आया कि नहीं, तभी किसका समय काल मुगल्स का ही 1526 से लेकर 1707 तक करीब, जैसे औरंगजेब मरेगा ऐसे तो है 1857 तक वो नाम का है लेकिन 1707 क्योंकि औरंगजेब मरा। अभी देखिए क्या आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब ऑल नवाब्स वांट टू क्या कहता है एक्सटेंड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, सब अपना अपना क्षेत्र बढ़ाने के चक्कर में रहते और अपना पावर पावर दिखाने के चक्कर में, ओ भैया हम बोर्ड का आदमी चाहिए हो, हाँ ऐसे नहीं बुकने शुरू कर देता है, सब एकदम लगता है कि हम ही तुर्रम खान है, सबको लगेगा अब जो नवाब से होता बंगाल का समझिए सब जैसे पावर बनाना शुरू करता है सबको दिखाई देता है भैया एक आदमी था औरंगजेब, वो क्या किया टैक्स फ्री कर दिया, किसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री किया, हम क्यों पड़े अब तो उमड़ गया ना उसके बाद हम क्यों माने, अब दादाजी कोई गलती करके चले जाए पता थोड़े ना माने का सिंपली फंडा है, तो ये भी गलती करके कौन गया है औरंगजेब, औरंगजेब के जाने के बाद अब कह रहा नवाब सब के हम क्यों माने, नवाब रिफ्यूज समझिए इस बात को, नवाब क्या करेगा रिफ्यूज कर देगा, जितना भी करवान टू क्या समझ ले कि कंपनी जो जो भी चीज़ साइन करवाती थी जो भी बात कहते थे कि हम टैक्स फ्री ट्रेड करेंगे जो भी इन सब चीज़ों को क्या किया इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, भैया हमारे पास ये सब बात ना चलेगा
आप हमको टैक्स बढ़ेंगे तो हमारे क्षेत्र में ट्रेड करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसा बात था। धीरे धीरे कंपनी को गुस्सा आएगा कि नहीं, क्योंकि कंपनी को आए हुए बहुत टाइम हो गया, टाइम हो गया नहीं। अब देखिए कब ये देखिए क्या 1651 में क्या क्या है, 1651 में अपना फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कर चुका है क्या कि नहीं। अब मरा कब ये 1707 में, अभी तक ये अपने पास है ना बहुत सारे आर्मी को ले आया, अपना अपना धीरे धीरे आर्मी फोर्सेज भी ले आया है। ऐसा नहीं है कि बकलोल बन के है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब अंग्रेज का, अंग्रेज शुरू कर रहा था, हम लोग उससे बहुत ही आगे दिमाग में। वो बकलोल सबको पता है कि हम लोग भारत वाले को कैसे गुलाम बनाएंगे, कैसे यहाँ के क्षेत्रों में कब्जा कर सकते हैं। हम लोग उनके तरह नहीं है, उसके घर में प्याज चढ़ी, ओ भैया इन बात पर झगड़ा करना शुरू कर दी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी है भैया, अंग्रेज लोग है। अब देखिए इतने सालों में वो लोग क्या लगता है आपको, 50 साल में करीब, 50 साल हुआ ना जी, लगभग ज़्यादा ही हो गया, 56 साल हो गया। इतने दिनों में वो लोग बकलोल थोड़े ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो धीरे धीरे पार्लियामेंट में अपना वहाँ बात रखेगा ना कि भाई साहब हमको अब धीरे धीरे फोर्सेज भी चाहिए, क्योंकि हम लोग समुद्र में जो ट्रेड करते हैं, समुद्र से आते जाते हैं, कोई हो सकता है छीन ले, चोर डाकू या दूसरा और कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले थोड़े ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, सबका अपना अपना ईस्ट इंडिया कंपनी है, हो सकता है आपस में लड़ाई हो जाए। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि उनको क्या कर दिया, धीरे धीरे उनके पास भी आर्मी आएगा, आएगा कि नहीं। अब देखते हैं कैसे ट्रेड बैटल्स की ओर गया, गया कि नहीं, क्योंकि नवाब सब क्या कर रहा है, परपरा रहा है, भैया जो भी बोल के गए औरंगजेब हम उसका बात नहीं मानेंगे। सिंपल सा पंडा, जैसे औरंगजेब मर गया, अब देखिए बैटल होना शुरू होगा। सबसे पहला जो बैटल होगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ, इस बात को हम लोग जानते हैं, इतना तो जानते हैं 1757 में हुआ था। इस कहानी, इसके पीछे कहानी क्या थी ये समझ में आया आप लोग को, गारंटी है इन साल आया हो सही सही सहमत क्या, प्लासी के पीछे क्या क्या बैकग्राउंड था ये समझ गए। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी का होने का मेन कारण क्या था, उस वक्त जो बंगाल का नवाब बना था अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान, क्योंकि ये 1756 में ये मर जाएंगे बेचारे, जैसे इनकी डेथ होगी जो नेक्स्ट इसका सक्सेसर आएगा इनका पोता वो है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को होता क्या है, इनको भी ज्यादा कोई तकलीफ नहीं है, समझिए इस बात को। सिराजुद्दौला जैसे आएगा, क्योंकि अलीवर्दी खान ही नहीं जितना भी नवाब थे वो क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का सारे घराने को रिफ्यूज कर रहे थे कि नहीं। हम लोग क्या देखे, औरंगजेब का जो फरमान आया था बाई ड्यूटी फ्री करेगा, मतलब टैक्स फ्री ड्यूटी होगा इनका, बेचारे के पास कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, लेकिन नवाब साहब आगे क्या करा वो सब बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मर चुका है, उसके लगाए हुए कानून कौन को हम क्यों माने। क्या अभी मोदी है, मोदी क्या कांग्रेस का लाया हुआ किसी कानून को जल्दी ये करता है क्या, नाम तक चेंज कर देता है, फिरोज शाह कोटला को कर दिया अरुण जेटली स्टेडियम, बहुत चीज चेंज कर रहा है, सब अपना अपना धाक जमाता है, अलग बात है, चलिए उस बात को देख छोड़ दे। तो अलीवर्दी खान का डेथ कब हुआ, 1756 में। उसके बाद कौन आया, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जैसे आया उसको लगा कि सबसे ज्यादा अभी सबसे ज्यादा ट्रेड कौन कर रहा है, बिजनेस के मामले में कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या दे के रखा औरंगजेब, उन सब चीज़ों को पहले बैन कराते, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, एक फोर्ट विलियम का किला बना रहा था, डबल एल ए, फोर्ट विलियम का फोर्ट बना रहा था, समझिए फोर्ट विलियम का किला बना रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल में फोर्ट विलियम का किला बना रहे थे, तो इन्होंने सिराजुद्दौला बिना इन्फॉर्म किए अपना लगभग 30,000 फौज लेके आक्रमण कर दिया। 30,000 फौज लेके गया, अंग्रेज को क्या पता था कि हमसे लड़ाई होने वाला है, अंग्रेज बेचारे को कुछ भी नहीं पता था, ये अगर अपना फौज लेके आक्रमण कर देगा अचानक से किला में, अचानक से तैयारी करके आक्रमण किया, जितना आदमी था काम करने वाला लेबरर्स, उसके जितने भी आदमी थे स्टाफ वस्टाफ सबको मार के ठुंगी में बंद कर दी, इतना ठुसम्बर मार मारी जाए, एकदम थुतूर की दिया, भरपुष्टांग दिया, ऐसा दिया लगा कि पता नहीं कब तक का दुश्मनी का मतलब बदला ले रहा है, तो भरपुष्टांग मारा, उसमें से कुछ आदमी रिटर्न वहाँ से जिंदा, 22 आदमी ऐसे निकले थे, कोई कोई स्टैंड करते 23 आदमी बचा था, उनको एक हॉल बना के डाल दिया सारे आदमी को मार के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात से बड़ी खफा हुए, जैसे खफा हुए तो उन्होंने कुछ आदमी वहाँ से क्या हुए चले गए तो सी रोड से वहाँ पहुँचे, तो मद्रास में उस टाइम जो मद्रास का गवर्नर जनरल बनाया, कंपनी जो अपना मेन मैनेजर बनाया क्या, तो चेला चपटा क्या बोलते गवर्नर जनरल जो भी बोल रहे, तभी कौन था, रॉबर्ट क्लाइव कहाँ था, मद्रास में, रॉबर्ट क्लाइव को कहा कि आप जो आर्मी गुट के साथ हैं हम आपको और आर्मी देते हैं, जरा देख के आइए तो बंगाल में क्या हाल है। रॉबर्ट क्लाइव बड़ी चालू इंसान थे,
रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि अंग्रेज है, अंग्रेज तो ऐसी बड़ी चालू चीज है, उनको पता है भारत में बकलोल लोगों का कमी थोड़े ना, इतना बकलोल है, जाति धर्म के मामले में हम लोग किसी को भी लड़ा सकते हैं। अभी भी क्या होता है, मेनली जाति धर्म के मामले में कोई भी सरकार बना के चल देता है, कोई भी बना लेता है, बेवकूफ बनाने में क्या जाता है, एक बार जाओ किसी मंदिर में कुछ करवा दो, ओ भैया मुसलमान लोग क्या होगा, मुसलमान पे हुमज के पड़े हिंदू, हिंदू मुस्लिम का काम करके अपना वोट लेके निकल लेते हैं, पार्टी वाले निकलते हैं कि नहीं। तो तभी इनको पता चल गया था कि भारत में लोगों के अंदर क्या मेंटेलिटी, लोगों का क्या है, ये चीज़ किसको समझ में आएगी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले जानने का कोशिश किया कि जो सिराजुद्दौला फड़फड़ा रहा है किसके बलबूते पर फड़फड़ा रहा है। उस वक्त सिराजुद्दौला का जो ये जो मेन सेनापति थे ना कमांडर, वो कौन था, मीर जाफर, मीर जाफर। इस बात को समझिए, मीर जाफर को इसने पटा लिया, इसने मीर जाफर से कहा कि अगर तुम इसको मसलने में क्या कहा, इफ यू हेल्प मी टू कैन सिंग सिराजुद्दौला, अगर तुम हमको सिराजुद्दौला को पेशलने में मेरी मदद करेगा, किसने कहा, अंग्रेज ने, रॉबर्ट क्लाइव कहे होंगे, तो हम तुमको बंगाल का नवा अपना देगा। जब ऐसा हुआ तो इसको लगा बहुत बढ़िया ऑफर है, ऐसे कब नवाब बने, क्या बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि क्या अभी सेनापति है, कब क्या बनेंगे, गुलामे बन के मर जाए। तो मीर जाफर को लगा बड़ा बढ़िया ऑफर है, जब ये आक्रमण किए किस पे, बंगाल पे, इधर से समुद्र दोनों तरफ से आक्रमण किए, सिराजुद्दौला को लगा किधर गया मीर जाफर ने, मीर जाफर अपना सेना का गुट लेके गायब, गायब तो जाहिर सी बात है सेना नहीं रहेगा, धारेगा कि नहीं, हड़ा कौन, बेटा लोग पलासी होगा, उसी में कौन हड़ेगा, सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला होगा। देखिए ऐसे तो हर बात को जान लेते हैं, क्या बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर का नींव यहीं से डलेगा, क्योंकि ये जो बकलर बना है ना, ये बकलर बहुत ही खराब इंसान है, इसको पुपेट बनाया है, तो ये क्या किया, ये हट गया, ये इतना बकलोल था, इसको पता ही नहीं कि रे भैया हम उसको धोखा दे रहे हैं, आगे चल के अंग्रेज है, अंग्रेज अपना बाप का थोड़ा होता है जो आपको धोखा देते। अब ब्रिटिश में ये थोड़ा पता चलता है बाप कौन है, लगभग 17-18 साल 20 साल हो जाता है, कभी जिंदगी में कोई पूछे अरे बाप कौन है, वो जाके अम्मा को पूछे तो अम्मी पापा कौन है, तो वो क्या बोलेंगे, उस टाइम मेरा हस्बैंड कौन था, सोचने लगे, उसका पर्सनली कोई बाप नहीं होता है, वहाँ पे क्या है, शादी एक फॉर्मेलिटी है, जैसे एक पेन इस्तेमाल किया अच्छा नहीं लगा, वो रहने दो, दूसरा वाला पेन खरीदते हैं, खरीदते ही नहीं, सेम पड़ा, ये वाला शर्ट अच्छा नहीं लगा, खोल दिए, शादी किया अच्छा नहीं लगा, भैया तुम साइड लो, उसे डिवोर्स लेने में क्या जाता है, कुछ चुने दूसरे से शादी करेगी, तो उसी वजह से अंग्रेज अपना बाप का तो पकलोल है ही नहीं, ये चलवा सोचा हमारा बाप का है, हमारा हो गया अंग्रेज, ये बकलोल ये भी था, क्योंकि ये भारत का आदमी मिल रही है, ऐसे भी बहुत ज़्यादा बकलोल होने लगता है। तो मीर जाफर देखे किस तरह से धोखेदारी किया, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी में हारा कौन, सिराजुद्दौला, अब क्या होगा, मीर जाफर क्या बन गया, नवाब बन गया, ये बकलोल नवाब बना, ये बहुत मन में लड्डू फट रहा होगा क्या, अब देखते हैं इसको भी थोतुरेगा, थोतुरेगा क्या, अभी इसका दमादे खुदे बहुत चालू चीज़ है, मीर कासिम, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, अब देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर को धीरे धीरे देख लेते हैं। भाई से अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट में, अगर कोई बात समझ में नहीं आया कमेंट में आप बता देंगे, ठीक। अब चलते हैं बैटल ऑफ प्लासी की ओर, सॉरी बैटल ऑफ बक्सर की तरफ, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ये लड़ाई ना होता तो हम गुलाम ना होते शायद, बहुत बड़ा जीत, प्लासी जीता तो क्या जीता, बंगाल। हाँ एक बात और, जैसे ये बंगाल को जीता, रॉबर्ट क्लाइव बीइंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ऐसे भी नोट हम किस में देंगे, पीडीएफ में दे देंगे, बहुत बता दिए इंस्टाग्राम में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे ना, वैसे आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या देखे, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, सॉरी बैटल ऑफ क्या हो गया, प्लासी खत्म हो चुका, अब क्या होगा, फोर्ट विलियम का किला को ध्वस्त ध्वस्त कर दिया, अब धीरे धीरे क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा। ओके गाइस देखते हैं कैसे, देखिए क्योंकि मीर जाफर बन गया था, मीर जाफर जैसे बना तो मीर जाफर ये बकलोलवा ज्यादा कुछ ज्यादा बका था, उसको क्या दे रहा, पुपी अटना की मरा हुआ आदमी, ये कैसा था, लगभग मरियल था, इसको हटा के इसी का दमाद किसको बना दिया, मीर कासिम को, समझिए इस बात को। मजेदार बात यही है, जो सबसे बड़ी बात है ना, मीर जाफर पहले था, उसको हटा के उसी का दमाद मीर कासिम को क्या बना दिया, वहां का नवाब बना दिया, ये बहुत चालू चीज था, ये जो नाचीज है, ये तलवा, ये कुछ चुना है, ये बकलोल है एक नंबर का, ये जो है बहुत चालू चीज है, चालू छुरा, समझिए।
ये क्या किया, बंगाल से हट के यहाँ पे सब कुछ कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कितना तक पता चलेगा जी, इसका अपना फौज है कहीं और अपना फैक्ट्री वैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। ये क्या करेगा, बिहार के मुंगेर में, मुंगेर में वो फैक्ट्री बनाएगा और बढ़िया बढ़िया से बंदूक बंदूक बनवाएगा, बंदूक बंदूक बनवाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जब बहुत बंदूक बिकने लगेगा अंग्रेज सबको मारेगा, जहाँ तीन आदमी अंग्रेज एक बार पकड़ लगा इसलिए इसका बंदूक हमारी फैक्ट्री में बन रहा था, बन कहाँ रहा है। धीरे धीरे अंग्रेज को पता चल जाएगा कि मीर कासिम वहाँ है ना, एक फैक्ट्री डालिस है मुंगेर में, उसके बाद वहाँ से बनता है और आदमी सबको जाकर थुतुर थुतुर रहा है, मार जो रहा है हमारी आदमी को, कौन हमारी फैक्ट्री का बंदूक है। तब पता चलेगा अच्छा मीर कासिम ऐसा है, तुम इसको गद्दी से हटा देगा, कुछ ज़्यादा चालू हो गया तो इसको हटा के फिर किसको बना देगा, फिर से मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर ये तो पुपीट है, ये नहीं कहेगा वो चलो हमारी दमा दे रहने देते, लेकिन मीर कासिम को ये चीज़ हजम नहीं होगा। मीर कासिम क्या करेगा, मीर कासिम जाएगा लखनऊ, समझे, अवध बोले या लखनऊ बोले, तभी वहाँ का राजा कौन था, शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, देश सब दौला दौला बड़का बड़का नाम वाले छुयो, कहाँ का राजा ये अवध का, समझे, अवध समझ ले, लखनऊ समझ ले। तभी ये सब ये कौन था, अवधी था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, तभी क्या था, शाह आलम सेकेंड, ये था मुगल का जो मेन राजा था तभी मुगल का, वो कौन था, शाह आलम द्वितीय। ये कहाँ था, ये दिल्ली में था। अब समझिए मीर कासिम क्या क्या, भैया तुम भी हमारी साथ आओ वरना अंग्रेज आज हमको मार रहे हैं कल तुमको मारेगा, अवध ले लेगा। इसको लगा हाँ बात तो सही है, बोल रहा है हमको साथ देना चाहिए। इसके पास आया, कहा चीज आप भूल कहे गए, हम आप ही के तो प्रजा है, मतलब आप ही ने हमको गवर्नर बनाया इस था बंगाल का, मीर कासिम नाम है हमारा। तो ये कहा बहुत अच्छी बात है, चलो मारो सालों को। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तीनों आया कहाँ, बिहार के बक्सर में आया फौज लेके। इधर कौन गया, ई आई सी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ अभी कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा, रॉबर्ट क्लाइव के पास दिमाग बहुत ही चालू, भारतीय आदमी को ले आया, भारतीय से लड़ा रहा है टेलवा, और ये बकलोर सब भी लड़ रहा, लड़ेगा तो ये लोग अपने लिए, क्योंकि मीर कासिम फिर किसका साथ देगा, मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि उसका पपीट अभी तक कौन है, मीर जाफर ही। यही जो होता है ना, बड़ा गड़बड़ी हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा जोर लगा देगा, पूरा जोर लगाया, एक के बारे में सबको हराया, कौन कौन हरा, मीर कासिम तो हरबे क्या बंगाल का, अवध का राजा कौन है, शुजाउद्दौला, दिल्ली का कौन हरा, शाह आलम सेकंड। भैया बड़ी जबरदस्त बात हो गई, समझ में आया, एक साथ कितना को मार दिया, तीन तीन को मार दिया, अकेले अकेले मारता तो ढूंढ ढूंढ के किधर है शुजाउद्दौला, झगड़ा करो ना हमसे मारेंगे हम तुमको, ये नहीं करता तो इसी का, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा दिल्ली तक पहुंचने में, इसको लगा के ससुर का नदी एक ही बार कि हम कहाँ पहुंच गए, थे कहाँ बंगाल में, आ कहाँ गए, अवध जीते और इस सलाह दिल्ली आ गए, तीन तीन जगह एक के बार की, समझ में आ रहा है, तीन तीन जगह एक के बार की, जैसे जैसे जीता ना ईस्ट इंडिया कंपनी, वहीं से कह रहा है सबसे बड़ा अगर मेजर विक्ट्री है, सबसे बड़ी जीत अगर हासिल हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कहाँ हुई, जैसे वो बैटल ऑफ बक्सर जीते, भारत में हुकुम करना शुरू कर दिया समझिए तो, क्योंकि उसका गवर्नर जनरल बनना शुरू हो गया यहीं से। उसके बाद हुआ कुछ नहीं, बैटल ऑफ बक्सर जीता, भारत में अपना धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ाने शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली तक तो चला गया और वो अब जाएगा कहाँ। उसके बाद क्या होगा, 1765 में ई बकलोल, ये टलवा मर जाएगा, मीर जाफर कब मरा, 1765 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन वर्चस्व अगर बोले तो मेजर विक्ट्री, जिससे कि उनको भारत में लगभग शासन करना एकदम बिल्कुल फ्री हो गया, भारत में आप वो मजे से शासन कर सकते थे। तो आंसर क्या देंगे आप, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर ना होता शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ठीक से पनप नहीं पाती, समझ गए। देखिए ये चैप्टर है बड़ा थोड़ा सा, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये आया किससे, ट्रेड बना के क्या गया, टेरिटरी बना लिया अपना, क्या बना लिया, कॉलोनियल स्टेट बना लिया, हमें गुलाम बना के चला गया। तो इसको समझने में इतना थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अभी देखिए यहीं से बात यहीं पे ख़त्म नहीं होगी, आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद क्या होगा, कैसे समझिए थोड़ा सा और समझा देते हैं, हाउ डज क्या बोलते हैं, कंपनी ऑफिशियल बिकम नवाब्स, ये भी एक नेक्स्ट टॉपिक है ना इसमें एनसीईआरटी में, कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स है कि नहीं, WOB नवाब्स, समझे, नवाब दरअसल एक अलग वर्ड है, NABOBS नवाब्स जो है ना ये अलग वर्ड है, जैसे हम लोग नवाब इस्तेमाल करते थे ना, अब ब्रिटिश क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नवाब्स,
समझ जाइए क्या है, नवाब ही है, नवाब है। तो रेवेन्यू टैक्स वैक्स उसने का सारा अधिकार किस पे चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो मजा आ गया, एक के बार लड़ाई किस ताकी को हरा दिया, एक कासिम को हरा दिया, सजाउद्दौला को हरा दिया, शाह आलम द्वितीय को भी हरा दिया, ले पकड़ सब एक के बार हार गया। 1765 में ये भी मर गया, क्या फायदा हुआ इसको इतना लड़ाई करके, कोई कुछ मिला, मिला तो किसको मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू जमाने से आदत हमको इस्तेमाल करके बाहरी आदमी चल देता है, आपको घर में लड़ा के किसी दूसरे को फायदा होता है, हम आपस में लड़ तो जाते हैं, फायदा किसको हो रहा है, किसी और को हो रहा है। देखिए ना हिस्ट्री में भी आपस में लड़ा कौन, ये बकलोल को तो सोचना चाहिए, हम भारत के आदमी है, ये तो अपने बापे का औलाद नहीं है, तो हमारा क्या होगा, तलवार साथ दे दी, साथ दे दी तो मार खा के इसको भी हरा दिया, ये बेचारा को भी हरा दिया, इसको भी हरा दिया एक साथ। इस तरह से देखिए हम लोग आइस कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना वर्चस्व बना लिया। आगे देखेंगे धीरे धीरे क्या, अब अलग अलग अलायंसेस लाएगा, सब्सिडी अलायंस लाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स लाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा अपना पैर हाथ फैलाएगा ना जी, तब ना उसको मजा आएगा। धीरे धीरे क्या आता कि ट्रेड करने के लिए वो क्या कर रहे थे, सिक्का कहाँ से लेके आ रहे थे, इंग्लैंड से, यूरोप से लेके आ रहे थे, यूरोप से लेके आएगा। धीरे धीरे सोचेगा कि क्या कर रहे हैं, पैसा लाएंगे यहीं से उठा के लेके जाते हैं, बेच देंगे, टैक्स यहीं से ले लें, भारतीय आदमी से टैक्स लेके भारतीय से सामान खरीद के ले आके कहाँ बेचें, यूरोप में, अपना पैसा ही नहीं लगेगा, जितना प्रॉफिट 100% प्रॉफिट होगा, क्या यहीं से लूट के वहीं से लेके जाओ, धीरे धीरे ये होगा। चलो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके। जब तक आप लोग इसको थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा, और जितना नोट नहीं भी हो पाएगा ऐसे यहाँ समझाने के लिए वीडियो बनाए थे, मेनली आपको क्या देंगे हम पीडीएफ बना के दे रहे हैं इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम में भी, आप जाके जो चीज़ भी आप चलाते हैं कमेंट में बता दीजिएगा, हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे नोट्स। ओके गाइस इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक, ओके बाय, थैंक यू।